ये सभी जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट आते देखी है। पहले हमने एक रेंज देखी थी जो नीचे 6000 से लेकर ऊपर में 6800 की रही थी। अब देख रहे हैं कि जब से सेबी का फैसला आया है उसके बाद से सोयाबीन अचानक से टूटती नजर आई है और नीचे में 5700 तक का लेवल दिखा चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब सोयाबीन की आगे की चाल क्या रहेगी? जी देखिए, रिसेंट लो 5800 के करीब के थे और वहां से हम 6000 के करीब अग्रसर है ऐसा लग रहा है। कि जो बायर्स होल्ड करके बैठे थे क्योंकि रुख तेजी का था, तो उन्होंने अपनी पोजीशन मोस्टली निकाल दी होगी और हो सकता है जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो भी ऐसा ही करें। तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे सोयाबीन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है दोबारा और 6300 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। जी अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।